जय श्री राम के माँ की और जय श्री राम के माँ की। यहाँ पूजा पाठ करता था? हाँ, यहाँ भी करता है, वहाँ भी है, वहाँ फोटो भी लगा। जनक भाषा का प्रयोग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जय श्री राम के और दिल में रहिए जय भीम बाबा साहब। अम्बेडकर भगवान कब से बन जी हैं? वो तो संविधान में है ना। वो भी मजदूरी करता है, मजदूरी से आपका घर गृहस्थी चलता है। पढ़ाई किया है मनु? हाँ मनु, हमारे पिताजी रामायण देखे हैं, पढ़े हैं, न हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रामायण के बारे में कैसे पढ़ा? भगवान के नाम पर पैदा होते हैं और भगवान के नाम पर ही जीवन बसर करते हैं, लेकिन किताबी ज्ञान और कुछ लोगों के भड़कावे के चलते गलत शब्द उसी भगवान के नाम पर। अम्बेडकरवादी जोन ज़्यादा जब से प्रचार प्रसार तब से थोड़ा ही लोग भग गए। बोलो, सोशल मीडिया पर राम को गाली देने वाले मनु के घर पर आए हुए हैं। घुटनी प्रखंड के जतौर पंचायत के भलुआ गांव में पड़ता है और यही मनु का घर है। पिता का नाम हंसनाथ राम है और इस घर की हालत आप देख सकते हैं। और इसी घर के मनु राम द्वारा सोशल मीडिया पर राम को अपशब्द बोला गया था, राम के नाम पर गालियां दिया गया था, राम के नाम का टैटू गलत जगह गुदवाने का भी नाम लिया गया था। पुलिस द्वारा गाजियाबाद में पकड़ लिया गया है। मैं गालीबाज मनु के पिता के पास आए हुए हैं। यहाँ पर पिता किसी के घर में मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके घर गृहस्थी चलाते हैं। जाते हैं, हम गांव में रहते हैं, गांव में सबसे प्रेम व्यवहार है, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। हमें कोई प्रकार की यहाँ परेशानी नहीं आती है, चाहे गांव में परेशानी नहीं आती है। लेकिन बेटे को कैसा संस्कार दिए हैं? बेटे भी तो पैदा उसी भगवान के नाम पर हुआ होगा, शायद भगवान से आप लोग प्रार्थना किए होंगे तभी वो पैदा हुआ होगा। फिर बड़ा होने के बाद ऐसा क्या उसको ज्ञान मिल गया, किताबी ज्ञान, कि भगवान को इससे घृणा हो गई? भगवान घृणा तो नहीं हुआ था, यहाँ भी जाता है तो करता है, वहाँ भी करता है। अब एक बार उसको क्या हो गया, हमें अभी तो हम तो गाँव पे हम शैतान दिमाग पर चढ़ गया, हम नहीं बता सकते हैं। हम जितना जानेंगे उतना ही तो बता सकते हैं। आप मजदूरी करके घर गृहस्थी चलाते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं हम पहले ही से। दो बेटे हैं आपके? हाँ। मनु कितना नंबर का? मनु दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है, सबसे छोटा है। वो मजदूरी करता है गाजियाबाद? हाँ, वो भी मजदूरी करता है। और जो बड़ा वाला है वो भी मजदूरी करता है? वो भी मजदूरी करता है। मजदूरी से आपका घर गृहस्थी चलता है। पढ़ाई किया है मनु? हाँ, मनु हाई स्कूल तक किया है। हाई स्कूल तक गाजियाबाद से? गाजियाबाद से। यहाँ पूजा पाठ करता था? हाँ, यहाँ भी करता है, वहाँ भी है, वहाँ फोटो भी लगा है भगवान का, सब कुछ है। तो क्यों इतना भड़क क्यों गया है भगवान? ताना भगा दिमाग उसका कभी कभी, यहाँ पूजा पाठ पहले बहुत करता था, कभी कभी सही रहता है, कभी कभी उसका दिमाग उल्टा हो जाता है। जैसे उसको एक बार बीमारी हुई थी तब से उसका बोली भी टाइट हो गया है, दिमाग कभी काम करता है कभी नहीं करता है। चलिए, आजकल के लड़के भगवान के नाम पर पैदा होते हैं और भगवान के नाम पर ही जीवन बसर करते हैं, लेकिन किताबी ज्ञान और कुछ लोगों के भड़कावे के चलते गलत शब्द उसी भगवान के नाम पर निकालने लगते हैं। माँ भी बोल रही है बेटे से गलती हो गया है, किसी के चढ़ावे में आकर ऐसा बोल दिया है ना, कोई चढ़ाया है तो ऐसा बोल दिया है। गाँव में और कोई भगवान के प्रति जलन रखता है क्या? नहीं, गाँव में कहीं कोई जलन करेगा? आप भगवान से नहीं ना जलती? आप? मैं नहीं जलती हूँ भगवान से। क्यों नहीं जलती हैं? मैं करती हूँ पूजा, मैं क्यों जलूंगी भगवान? क्यों भगवान की पूजा करती हैं? शंकर जी को पूजा करती हूँ, हनुमान जी के पूजा करती हूँ, सबके पूजा करती हूँ। चलिए, वैसे सब लोग जानता है भगवान की पूजा करने से कोई लाभ दिखाई नहीं देता है, फिर भी मन की शांति के लिए लोग पूजा करते हैं, घर में करे या मंदिर में करे, कहीं भी करे। आप लोग इस पर क्या कहेंगे? आप लोग नौजवान हैं, आप लोग के साथ मनु गांव में रहा होगा, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको गलत किया है, जो भी किया है। पूजा करता था गांव में? हाँ, पहले ऐसा नहीं था वो। हाँ, जैसे मिलजुल कर रहता था यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे उल्टा सीधा रहता था, ऐसे मिलजुल करके। अरे, अम्बेडकरवादी जोन ज़्यादा जब से प्रचार प्रसार तब से थोड़ा ही लोग भग गए। बोलो, नहीं तो पहले तो सब लोग भगवान की पूजा करते रहो। अरे, अम्बेडकर जी अपने जगह पर है, वो भी भगवान राम को पूछते होंगे। हाँ, लेकिन अब ये लोग क्या करता लोग, उन्हीं का अपन भगवान मान लेता लोग। हाँ, तो ये सही है कि गलत है? ये तो गलत बेटे। हाँ, अम्बेडकर जी भगवान कब से बन जी हैं? वो तो संविधान में बड़े ना, संविधान के रचयिते बड़े, जो तेने संविधान के रचले बड़े सब जन के बाटे नाम, लेकिन इनका नाम आगे बैठे, लेकिन उनका किलो भगवान मानता लो। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो जो काम किया उसके अनुसार कार्य मिला, उनको राज्यभार मिला, लेकिन ये लोग
अंबेडकर को ही अपना भगवान मानकर, जो ओरिजिनल भगवान है, जो अंबेडकर जी भी उस भगवान को पूछते होंगे, लेकिन उन्हीं को ये लोग गाली देते नजर आ रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता मंच पर चढ़ के भगवान के प्रति उल्टा सीधा बोलते हैं, मंदिर के प्रति बोलते हैं, वही नेता कभी कभी उनका फोटो वायरल होता है मंदिर में पूजा करते हुए, वही नेता करते हैं। यही लोग में रहते रहे हाँ, वो जो जाके कुछ भी कह सकता है, ये बात तो बा। हाँ पहले ठीक है बने, कोई टोला में रहते गाँव का माटी पानी जब तक मिलता था तब तक शुद्ध वातावरण शुद्ध मिलता था, शुद्ध था वो। अब शहर में गया है तो वही में उल्टा भाषा आ गई बा, उल्टा भाषा आ गया। देहात में मतलब ये गंदगी नहीं है, शहर में है, ये रहते रहन यही टोला में लड़का, बाकी हाँ कोनो बात है ना, रहते रहल उनके पुलिस तब टांग के ले गई उनके। हाँ तब ले गई तो अब यह न बा कि अब तो जो उनका मुँह से निकल बाट तो ले गई। अच्छा रुआ सुननी है, अब हम तो नहीं सुन रहे। आप लोग सुने हैं क्या बोला है वो? तो बोलने लायक नहीं है, जैसे कि मैंने किसी के समाज में वो बोलने लायक नहीं है, समाज में बोलने लायक नहीं। अब यहाँ सोच सकते हैं सोशल मीडिया पर भगवान के प्रति इतना अपशब्द बोला है कि ऐसे खुलकर आदमी नहीं बोल नहीं, सकता नहीं, है हाँ। भगवान के नाम का टैटू, गुप्तांग, ऐसा वैसा उल्टा सीधा सब शब्द का प्रयोग किया है। अकेला ही कोई सुन सकता है, मैंने किसी के सामने कोई नहीं, मैंने घर में भी चाहे किसी के साथ बैठ कर नहीं सुन सकता, बैठ कर उसको ओपन नहीं कर सकता है। अब वीडियो में गलत गलत शब्द वीडियो भी दिखाया है। हाँ वीडियो भी दिखाया है। अरे जिसके साथ झगड़ा था, जलन था, उसके साथ जाकर लड़ता, उसके साथ लड़ो, उसके साथ कुछ भी करता, उसके साथ लड़ो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिसके साथ हर हिंदुओं का आस्था है, भगवान को लाने की क्या जरूरत है इसमें? भगवान को लाने की क्या भाई, हमारे पूजनीय है, 5000 साल के 500 साल बाद तो प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, उसके बाद उनको आप गाली दे रहे हैं। बहुत मशक्कत, लड़ाई, दंगा फसाद कितने लड़ करके तब उनको बैठाया गया, उसके बाद उनके खिलाफ कोई कहेगा? सुनने लायक तो नहीं है। लेकिन लड़का अब जाकर खराब हुआ है, पहले लड़का ठीक था, गाँव का माहौल आज भी उसका ठीक था। अच्छा आपको लग रहा है शहरी ज्ञान और किताबी ज्ञान कुछ लेने के बाद या सोशल मीडिया का ज्ञान लेने के बाद भगवान के प्रति इतना जलन पैदा हो गया आपको इस आप पर? लाने वाले आदमी देखिए जो नए नए बन रहे हैं ना, हकीकत ज्ञान तो किसी को मिल नहीं रहा आजकल, ना हम रामायण देखे हैं, ना हमारे पिताजी रामायण देखे हैं, पढ़े हैं, और ना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को रामायण के बारे में कैसे पता होगा? दूसरा आकर समझा देता है। हर धर्म वाले मतलब मुस्लिम जैसे हुए कुरान के बारे में अच्छा से जानते हैं, ईसाई हुए बाइबिल के बारे में अच्छा से जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू जो है कुरान के बारे में अच्छा से नहीं जानते हैं। हिंदू ही अपने धर्म के लोगों को भड़काते हैं, अपने भगवान को गाली देते हैं। लेकिन मोहम्मदन है, सब किसका देन है? बड़े बड़े नेता या सामाजिक स्तर के बड़े बड़े लोगों का ऐसा देन होगा? हाँ उन्हीं के चलते जिनके पीछे कई लाख जनता है, करोड़ों जनता है, वही मंच पर चढ़कर गलत बोल देते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही भगवान के नाम पर वो लोग गलत बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो भी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, उनके जहाँ फायदा होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। उनका कोई धर्म नहीं है, धर्म हम लोग का है, और हम ही लोग को वो लोग बांट देते हैं, बस वही उन्हीं को बंटवारा का देन है। यहाँ पर पिता के पास आए, मनु के माता के पास आए, ये लोग मजदूरी करके घर गृहस्थी चलाते हैं, वो भी गाजियाबाद में मजदूरी करके, उसका भाई भी मजदूरी करके घर गृहस्थी चलाते हैं, फिर भी किसी के भड़काने के चलते या उसके मन में कोई ज्ञान ऊपर से आ गया होगा, उसके बाद भगवान के प्रति शायद ऐसा बोला होगा। इस समय गाजियाबाद में पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से, धन्यवाद।